कनाडा में खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो की ओर से बिना सबूत भारत पर लगाए गए आरोप पर बलूचियों के निशाने पर वो आ गए हैं। कनाडा की बलूच मानवाधिकार परिषद ने बलूचिस्तान की मानवाधिकार कार्यकर्ता करीमा बलोच की रहस्यमय मौत पर पाकिस्तान के खिलाफ खामोशी अख्तियार किए जाने पर पीएम जस्टिन ट्रूडो और उनकी सरकार की कड़ी आलोचना की है। बलोच ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को एक बार फिर चिट्ठी लिखकर करीमा बलोच की मौत पर सवाल पूछे हैं। दरअसल करीमा बलोच पाकिस्तान की हुकूमत से टक्कर लेने वाली वो महिला रही हैं जिसने बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आज़ाद कराने की आवाज़ को पूरे प्रांत में मुखर बना दिया था। करीमा बलूचिस्तान आंदोलन का इतना बड़ा चेहरा बन गई कि पाकिस्तान हुकूमत ने उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया। बलूचिस्तान आंदोलन से जुड़े लोग और करीमा के रिश्तेदार लापता होने लगे, जो बाद में मृत भी पाए गए। अब आरोप पाकिस्तान सेना पर लगे और करीमा बलोच ने धमकियों के बीच पाकिस्तान छोड़कर वो कनाडा आ गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक करीमा बलोच कनाडा में रहकर खामोश नहीं रहीं और पाकिस्तान से बलूचिस्तान की आज़ादी के आंदोलन की चिंगारी को लगातार कनाडा से ही सुलगाती रहीं। करीमा बलोच को कनाडा में भी लगातार धमकियां मिल रही थीं और एक दिन वो लापता हो गई। उनका शव टोरंटो की ओंटारियो नदी के पास मिला था। करीमा के परिवार वाले पाकिस्तान पर करीमा की हत्या कराने का आरोप लगाते रहे, लेकिन कनाडा पुलिस ने इसे सुसाइड बताकर केस बंद कर दिया। पुलिस के मुताबिक करीमा बलोच को आखिरी बार 20 दिसंबर 2020 के शाम करीब 3 बजे देखा गया था। इसके बाद वो गायब हुई। इतनी बड़ी नेता की मौत पर कनाडा सरकार की ओर से कोई बयान तक नहीं आया। अब जब खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर बिना किसी ठोस सबूत के गंभीर आरोप लगाने शुरू किए, तो करीमा बलोच की मौत का मामला एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। बलूचिस्तानी संगठन ने कनाडा में बलूचिस्तान की आज़ादी की बात करने वाली करीमा बलोच की संदिग्ध हत्या के मुद्दे को उठाते हुए जस्टिन ट्रूडो और उनकी सरकार को घेरा है। बलूच ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने पीएम जस्टिन ट्रूडो को करीमा बलोच की मौत को लेकर चिट्ठी लिखी है और इसमें बलूच ह्यूमन राइट काउंसिल ने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का मामला उठाने में तेजी दिखाने और करीमा बलूच की मौत पर खामोशी बरतने पर सवाल खड़े किए हैं। मानवाधिकार निकाय ने 23 सितंबर 2023 को ट्रूडो को लिखे अपनी चिट्ठी में लिखा कि हमारा दृढ़ विश्वास है कि कनाडा सरकार को जाति, पंथ या राजनीतिक योगदान की परवाह किए बिना सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। बलूच ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने अपनी चिट्ठी में यह भी लिखा कि कनाडा सरकार ने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में भारत के खिलाफ बहुत तेजी दिखाई, लेकिन करीमा बलोच की संदिग्ध मौत के मामले में पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन कनाडाई सरकार ने नहीं लिया। जस्टिन ट्रूडो को चिट्ठी बलूच ह्यूमन राइट्स काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर जफर जावेद ने लिखी है। उन्होंने लिखा कि करीमा बलोच की हाई प्रोफाइल संदिग्ध मौत का खुलासा अभी तक नहीं हुआ है और पीएम जस्टिन ट्रूडो ने इस घटना पर चुप्पी साध रखी है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।